दोस्तों इलियास साहब का फोन आ गया, मैं लगता इलियास साहब आ गए ने, ते लंच का टाइम हो गया। और इलियास साहब लो जी, साड़ा लंच का टाइम हो चुके वा, हुण असीं तुहानू दिखाने कि असी लंच इत्थे किदा हुंदा साड़ा। और इलियास साहब किदा, कैसा टाइम पास होया? लगता भुख लग गई है तुहानू? हां लग गई है, बहुत बैंकों ने सुबह का काम कर कर के तुम भूख नहीं लगने दे रखे हो। सही। और सुनाओ इलियास साहब, कैसे हो? पानी पियोगे ठंडा जी? नहीं। हां पिए हां। हां क्यों नहीं। और क्या हाल बाकी? नहीं आया देखें दोस्तों, ऐसे ही होता है, आते हैं हमारा लंच, काम काम के बाद लंच, लंच में खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर काम, काम के बाद फिर छुट्टी, छुट्टी के बाद सोना है जाके, खाना जाना है, जाने के बाद खाना बनाना है, खाना बनाने के बाद फिर वही सोना है, सोने के बाद सुबह उठना है, उठने के बाद आपको दिखाते हैं, ये देखें इधर जो हम रोटी है, ये देखें इलियास साहब दिखाना है एक बार। ये रोटी है, बिस्मिल्लाह। ये जनाब मसर आए बनाए हैं, मसर की दाल लो या मसर समझ लो, दोनों चीज देख लीजिए। ये साबत है। इलियास साहब एक रोटी दिखाना, ये हम खुद नहीं बनाते, ये बनी बनाई आती है। ये रोटी है, ये बनी बनाई आती है, इसको हम दो दिन भी चला सकते हैं, तीन दिन भी चला सकते हैं, और वैसे तो एक दिन ही चल जाती है, ये दो तीन दिन तो ये चलती नहीं है। और ये मसर भी इलियास साहब ने मुझे लगता है खुद ही बनाए हैं। हाँ भाई खुद बनाए हैं। क्यों इलियास साहब? खुद बनाए हैं। वो भी आपको रेसिपी देंगे हम किसी दिन, इलियास साहब के खाने की, कि इलियास साहब कैसे खाना बनाते हैं, कि इधर कैसे इलियास साहब जाके अपना खाने को बनाते हैं। सिर्फ हमने इधर सालन बनाना होता है, जो बाकी चीज़ें हैं और रोटी है वो हमें मिल जाती है दुकान से, क्योंकि ये दुकान पे पैकेट बना बनाया आ जाता है, वहां से हम ले लेते हैं। खाए खाए लिहाज साहब, आपको लगता है भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है, लगता है आज आपने काम बहुत ज्यादा किया है। काम बहुत किया ना, इसलिए एक सगाला बनाया ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दो आदमी थे, पैन नीचे से लेके ऊपर लेके गया। अच्छा माशाल्लाह, दो आदमी थे आज? दो आदमी थे। सही। फिर भट्टा नहीं मिला, भट्टे बाद में बाहर लेके आए, भट्टे ढूंढ के लेके आए, सही चक्कर लगाने भट्टे लाने। सही। इसलिए थोड़ा जा रहे हैं। और अभी लंच के बाद क्या करना है?